चुनाव परिणाम आने में अभी 2 दिन का समय शेष है, लेकिन जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल्स आए हैं उन पर नजर डालें तो राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक यक्ष प्रश्न भी सामने है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी इस बार बिना कैप्टन की उतरी थी। अब जीत सामने है तो ऐसे में सवाल ये है कि ट्रॉफी कौन उठाएगा और सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। बीते 18 साल में से बीच में अगर कमलनाथ के 15 महीने निकाल दिए जाएं तो लगभग 17 साल सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कुर्सी पर काबिज रहे, लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया। दूसरी तरफ भाजपा ने इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इस चुनाव में उम्मीदवार बनाया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या पार्टी एमपी का ताज शिवराज के अलावा किसी और को देने के मूड में है। मध्य प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल्स में राज्य में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक प्रदेश की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और सीएम फेस को लेकर सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। एक तरफ लोग शिवराज सिंह चौहान को आगे मान रहे हैं तो दूसरी तरफ कांटा कैलाश विजयवर्गीय की तरफ भी झुक रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर ही फाइनल मुहर लगा रहे हैं। इसके अलावा 2 और ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा है। उनमें पहला नाम है सूबे के मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, तो दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। नरोत्तम मिश्रा सूबे की सियासत में नंबर 2 का ओहदा रखते हैं, 6 बार से लगातार विधायक हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर भाजपा शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाती है तो नरोत्तम मिश्रा दावेदार होंगे। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा है, इस लिहाज से देखा जाए तो अगर आदिवासी क्षेत्रों में परफॉर्मेंस अच्छी रही तो पार्टी उन पर भी दाव लगा सकती है। फिलहाल तो चर्चाओं का बाजार गर्म है और गेंद आला कमान के पाले में। अब देखना होगा कि वो ये गेंद अब किसकी तरफ उछालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।